नाज़रीन इकराम, ज़िले जगत्याल से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस पार्टी के लीडर लक्ष्मी रंजम का मर्डर 8 अगस्त 2023 के रोज़ हुआ था, जिसके तहत मर्डर करने वाले 9 मुजलिमीन को जगत्याल की पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार भी बरामद किए, जिसके तहत जगत्याल की पुलिस ने प्रेस मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आए, जिसके तहत ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि ज़िले जगत्याल के एसपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और उन्होंने कहा है कि ज़िले जगत्याल के बीआरएस पार्टी के लीडर जिसका मर्डर हुआ है, उन पर अटैक करने वाले, उनके मर्डर करने वाले ये 9 मुजलिमीन को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और केस दर्ज कर अदालती तहवील में भेज दिया गया है। नाज़रीन इकराम, आपको बता दें, ज़िले जगत्याल के बीआरएस पार्टी के लीडर ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके मर्डर होने के बाद, इनका अटैक होने के बाद वहाँ के लोग ने ज़िले जगत्याल के इस बीआरएस पार्टी के लीडर को ज़ेर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किए थे। बाद में दवाखाने में ज़ेर इलाज के दरमियान उन्होंने फौत हो गए थे, जिसके बाद पुलिस में FIR बुक होने के बाद पुलिस ने इस तरीके का एक्शन लेते हुए तमाम के तमाम 9 मुजलिमीन को गिरफ्तार किया है। इस तरीके की खबर निकल के आ रही है ज़िले जगत्याल से। आइए देखें नाज़रीन, नयन क्लब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से ये खुसूसी खबर हम आपको दिखा रहे हैं ज़िले जगत्याल के, जहाँ पर ज़िले जगत्याल की पुलिस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मर्डर के केस को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ का कहना है कि बाकी जो समय के दौर अभी खत्म करें ना, तो दो अभी में वीडियो खत्म नहीं कर सकते, उसके पीछे और चंद लोगों का हाथ है, उनका माता कहना है वालू दाटो आ रोजुना वाट्सअप काल वीडियो काल टेक्निकल एविडेंस प्रकार निंदी इधर दाने प्रकार లొకేషన్ ఉంది. ఇంకా వాళ్ళ దాంట్లో వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు వచ్చి ఒకటి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళని కూడా పోలీస్ కస్టడీ తీసుకుంటున్నాము. ఇంకా ఎవరైనా తెలిస్తే దాంట్లో కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళు ఇద్దరు వ్యక్తులు టెక్నికల్ ఆధారాలు ఉన్నాయి, సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఉన్నది, అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడిన వాయిస్ రికార్డు ఉంది. సమీర్ బతుకున్నప్పుడు ఆయన పంపించిన వీడియో కూడా ఉన్నది, అతను ఆ అమ్మాయికి పంపించిన వీడియో కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ఆ అమ్మాయి రోల్ ఏంటిది ఇదనే దాని మీద కూడా ఇప్పుడు పోలీస్ కస్టడీ పోలీస్ కస్టడీ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ విచారణ చేసి ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని అందులో ఇంకెవరిదన్నా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్